हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। चूँकि अभी माइंस इंस्पेक्टर का आपको पता ही है कि माइंस इंस्पेक्टर का लगातार अभी मैं क्लासेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जितने भी क्लासेस हैं वो पूरी तरह से फ्री हैं, क्योंकि झारखंड माइंस इंस्पेक्टर का वैकेंसी है। और झारखंड माइंस इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी है, इसमें जियोलॉजी आपके लिए बहुत बड़ा पोर्सन है, जो आपके लिए बहुत बड़ा स्कोर प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर प्ले करेगा। इसीलिए आपको जियोलॉजी को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो जियोलॉजी का वीडियो मैं लगातार लेके आ रहा हूँ। अभी मैंने जियोलॉजी का लेक्चर 1 रिकॉर्ड किया है। काफ़ी बहुत ही कम लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को, तो पार्ट 1 यानी लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर देखेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जूलॉजी 1 लिख के आएगा लिंक, तो उसको क्लिक कर लीजिएगा, या आई बटन पे भी आ जाएगा, या वीडियो ख़त्म होगा तो लास्ट में भी आ जाएगा। और अभी हम लोग जूलॉजी का लेक्चर 2 हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पोर्सन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं निचोड़ के डालें, और इधर उधर का बात थोड़ा कम करें, टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात थोड़ा ज़्यादा करें, इसका हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एज ऑफ अर्थ। जी बिल्कुल, एज ऑफ अर्थ, सॉरी, एज ऑफ अर्थ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। अभी जो टॉपिक बात कर रहे हैं वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ का मतलब होता है कि धरती के अंदर आखिर क्या है, जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं उस धरती के अंदर आखिर क्या है। यानी कि पृथ्वी तो आपको पता है गोल है, और हम लोग खड़े हैं कुछ पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के सतह पे हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं है भाई साहब। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग पृथ्वी के अंदर में ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग पृथ्वी के सतह पे हैं, यानी सरफेस में है, ग्रेविटी हम लोग को खींच के रखा हुआ है, ठीक है। और इस पृथ्वी को अगर हम ऐसे करें तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायमीटर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायामीटर। तो हम लोग को पृथ्वी का डायमीटर भी नाप नहीं सकते हैं, अभी हम लोग इस कैटेगरी में नहीं पहुँचे हैं कि पृथ्वी का डायमीटर तक नाप सके। तो हम लोग अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? हम लोग पहुँचे हैं कि पृथ्वी का जो रेडियस है भाई साहब, इसको R से डिनोट करते हैं, तो पृथ्वी का जो रेडियस है हम लोग अभी तक इसको नाप पाए हैं, और इस रेडियस को डबल करके हम लोग बता देते हैं कि जो पृथ्वी का डायमीटर है वो इतना है, ठीक है। और पृथ्वी में जो कंपोजिशन कंजम्पशन होगा वो इस टाइप का होगा। वहाँ तक अभी हम लोग पहुँच नहीं पाए हैं, अलग अलग सर्वे करने के बाद वो पता चला है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ऐसा नहीं कि धरती खोद के कोर निकाल के ऐसा देखा है, ऐसा नहीं है। अलग अलग थ्योरी, अलग अलग कंपोजिशन है, पी वेव्स, एस वेव्स हैं, बहुत सारे वेव्स हैं, वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में जो वेव्स आते हैं, ठीक है, वो आखिर बताते हैं। ओके चलिए, तो ये आपका क्लियर है। आगे आते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, ठीक। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में आखिर पता कैसे चला? अगर आप सबसे पूछेंगे कि धरती में रेडियस कितना है, नहीं है, ये बात अगर आपको पता करना है तो पता कैसे चला? तो देखो, ऐसा है कि धरती के नीचे, धरती के अंदर में बहुत सारा टेक्टोनिक प्लेट है। क्या है? बहुत सारा टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है। तो जितने भी टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो हमेशा वाइब्रेट करती है, ठीक है। यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक। तो जो टेक्टोनिक प्लेटें ऊपर नीचे होती है तो उससे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन होता है, वो कंपन हम लोग को महसूस नहीं होता है। जब रिएक्टर ज़्यादा होता है तो वो अर्थक्वेक बन जाता है, हालांकि थोड़ा 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 कंपन होता रहता है, और उससे निकलती हैं वेव्स। क्या निकलती हैं? वेव्स। ओके चलिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ा सा इधर उधर का नॉलेज देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखो भाई साहब, वेव्स होते हैं धरती के नीचे, यानी कि जब आप सरफेस को देखेंगे, ठीक है, अगर ये हम रेडियस निकालें, जैसे पिज्जा काट के थोड़ा सा निकालते हैं ना, समझिए ऐसे पिज्जा काट के हम निकालें, ठीक। तो पिज्जा काट के अगर आप निकालें हैं, और ये अगर कोर है, ओके, ये अगर मेंटल है ना, MENTLE, नॉट MENTLE, ठीक है, पागल नहीं है, ये मेंटल है, और ये आपका क्रस्ट है, ओके। ये तीन लेयर तो आपको पता ही होगा यार, इसमें क्या ही बताएं। तो धरती के नीचे अर्थ क्रस्ट में क्या होता है? बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेटें होती है, बहुत सारा क्या होता है?
टेक्टोनिक प्लेट होता है, और वो टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराता है एक दूसरे के ऊपर नीचे आता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे आता है, ठीक है, तो उसी उसमें क्या निकलती है, वेव्स निकलती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो समुद्र का जो लहर होता है ना, समुद्र का जो लहर होता है आप देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो तालाब का पानी भी थोड़ा सा ऐसे 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 लहराते रहता है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे छपाक छुपुक छुपुक छपाक छपाक छुपुक करते रहता है, ठीक है, पत्थर से टकराता है छुपुक छपाक, तो मतलब वो क्या है, वो बेसिकली वेव्स है, वो क्या है, वेव्स है। इसी तरह से हमारा जो पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स है वो भी छपाक छुपुक करते रहता है, मतलब एक दूसरे से टकराता है, सटता है, घर्षण करता है, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा आता है, थोड़ा नीचे आता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर तैरता है, ऐसा महसूस होता है। वो क्यों तैरता है सर? क्योंकि नीचे है लावा, नीचे है लावा। अब एक बात बताइएगा, एक वो बाल्टी लेंगे, आई बाल्टी में गरम गरम पानी, गरम छोड़ो, पानी डाल देंगे, हम क्या करेंगे, बाल्टी में पानी डाल देंगे, ठीक है, और पानी डालने के बाद इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एगो थाली रख देंगे, तो थाली क्या, और पानी को अगर हम हिलाएंगे तो थाली क्या स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा, थाली कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी थोड़ा सा इधर थोड़ा ऊपर ना जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, मतलब हिलेगा, छपाक छुपुक करेगा, थाली भी इधर उधर जाएगा। तो बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट भी ऐसा ही होता है, जो आपका लावा है, लावा के ऊपर में टेक्टोनिक प्लेटें होती है जो लावा में तैरते रहता है, छपक छुपक तैरता है, ठीक है, जैसे पानी के ऊपर तैरता है कुछ चीज, उसी तरह से ये भी तैरता है, और दूसरा जो टेक्टोनिक प्लेट है वो भी तैर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा टकराता है, और टकराने से क्या निकलता है, वेव्स निकलता है, क्या निकलता है, वेव्स निकलता है। उस वेव्स को अगर हम कैटेगराइज करें जूलॉजिकल दृष्टि से, ठीक है, जूलॉजिकल दृष्टि से अगर हम उस वेव को कैटेगराइज करें तो वेव्स जो होते हैं वो तीन टाइप्स के वेव होते हैं। एक होते हैं पी वेव्स, ओके, जैसे कि नाम से ही पता है, इसको हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्राइमरी वेव्स कहते हैं। जब आप अर्थ को एक पढ़ेंगे तो आप इसको डिटेल में समझेंगे, फिलहाल के लिए हम आपको काम चलाओ बता ही देते हैं। एस वेव्स होता है दूसरा, दूसरा क्या होता है, एप्स वेव्स। एस वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। और तीसरा होता है एल वेव्स। क्या होता है तीसरा? एल वेव्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स कहते हैं, सरफेस वेव्स कहते हैं। तो सर ये तीन टाइप के वेव्स होते हैं, ओके। सबसे पहले आते हैं पी वेव्स को, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वेव्स, ठीक है। चलिए प्राइमरी वेव्स क्या होता है आप समझते हैं। तो देखिए धरती जो हमारा है, धरती में बहुत सारे रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं हॉरिजेंटल रेखा है, लगभग हॉरिजेंटल रेखा है, ठीक है, और कुछ रेखा है एकदम लंबा लंबा है जो आप देखते होंगे, तो ये जो लंबा लंबा है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और जो ऐसे लेटा लेटा है तो लेटा है इसलिए लेटीट्यूड, लेटा है इसलिए लैटीट्यूड कहते हैं इसको। रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो जब कभी भी वेव्स, अगर जब कभी भी जो आपका वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि वेव्स ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है टेक्टोनिक प्लेट थोड़ा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, ऐसे वेव्स को हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बार फोटो दिखा के समझाने की कोशिश हम करते हैं। मान के चलिए ये हमारा एक टेक्टोनिक प्लेट है। क्या है? टेक्टोनिक प्लेट, ठीक। टेक्टोनिक प्लेट किसके ऊपर है सर? तो लावा के ऊपर है। ये देखो लावा, ये है लावा, ठीक है, ये है लावा, है ना। तो लावा के ऊपर में जो टेक्टोनिक प्लेट है वो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, थोड़ा नीचे। जैसे समुद्र का लहर में नाव होता है ना, नाव नाव कैसे ऊपर जाता है नीचे आता है, बोट जो बड़ा बड़ा जहाज होता है ऊपर जाता है नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है लहर में, थोड़ा नीचे आता है। तो बिल्कुल ऐसा ही वेव्स जनरेट होता है, ऐसे वेव्स को हम लोग पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स कहते हैं। सेकेंड होता है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स क्या होता है? ये ऊपर नीचे न जा करके कभी दाएं जाए थे, कभी बाएं जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, ठीक है। तो दो टेक्टोनिक प्लेट इसमें थोड़ा ज्यादा टकराता है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स इसको हम लोग कहते हैं, है ना, सेकेंडरी वेव्स इसको हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे टकरा तो चूंकि हम लोग जानते हैं ज्यादा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है, एक दूसरे से सटा हुआ ही रहता है, इसलिए थोड़ा सा कम ही टकराता है ना, एक दूसरे से सटा हुआ, दोनों मूव कर रहा है एक साथ, तो इसलिए थोड़ा कम टकराता है। तो लेकिन पी वेव ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि पी वेव में ज्यादा हाइट तक वो उठता है और ज्यादा हाइट तक नीचे जाता है, इसीलिए पी वेव थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है ना। और एल वेव्स क्या होता है सर? एल वेव्स बेसिकली जब अर्थक्वेक आता है ना,
अर्थक्वेक आता है तो सरफेस पे जो वेव हम नापते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं एल वेव्स, या उसको हम लोग टोटल वेव भी कह सकते हैं, यानी पी वेव प्लस एस वेव कर देंगे, पी प्लस एस बराबर हो जाएगा एल वेव्स, यानी सरफेस पे नापते हैं। तो इसका तो काम ही नहीं है यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझने में। इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझने में पी वेव्स और एस वेव्स का थोड़ा बहुत योगदान है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, चलिए अब आते हैं आगे। तो ये जो वेव्स है सर, ये जो वेव्स है ये पी वेव्स को नापा गया और एस वेव्स को नापा गया, और इस वेव्स को नापने के बाद ये बताया गया कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है, जो हमारा अर्थ का इंटीरियर में है उसमें कोर है, उसमें मेंटल है, उसमें आपका क्रस्ट है, उसके बाद कोर का जो डायमीटर है या कोर का जो आपका डिस्टेंस है वो इतना है, मेंटल का डिस्टेंस इतना है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए अर्थ का जो इंटीरियर है वो की कौन सा प्रमाणित करता है, कौन सा सिद्धांत प्रमाणित करता है, बेसिकली पी वेव्स और एस वेव्स मिलके ये बताया है। पी वेव्स और एस वेव्स के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसका इंटीरियर ऐसा ऐसा है, ठीक है, कैसा कैसा है, ऐसा ऐसा है ना, यानी कि उसमें कोर है, उसमें मेंटल है, उसमें आपका क्रस्ट है, ये हम वेव्स के फॉर्म में बताते हैं। ठीक, चलिए बढ़िया, ओके। चलिए यही वेव्स जो है, जिस वेव्स को हम लोग बोले पी वेव्स एस वेव्स, इसको कभी कभी कोई कोई किताब में लिखता है सेस्मिक वेव, पी वेव एस वेव उतना नहीं लिखता है तो सेस्मिक वेव लिख देता है। तो भैया वही चीज़ है, सेस्मिक वेव कोई बड़का चीज़ नहीं है, वही चीज़ है। ठीक, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो ऐसा है कि अगर ई वाला अर्थ है, ठीक है, मान के चलो गोला है पूरा, है ना, इसके बाद इसके अंदर एक लेयर है और इसके अंदर एक लेयर है, तीन लेयर है इसमें, ठीक है, पढ़े होंगे यार, पहले ही पढ़े होंगे, हमको लग रहा है टाइम पास नहीं करा रहे हूँ ये पढ़ा के आपको, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, चलो आपका सिलेबस में है तो हम आपको पढ़ाएंगे। मान के चलिए जो सबसे अंदर वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर, इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। सबसे अंदर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे अंदर वाला को हम लोग बोलते हैं कोर है, ये क्या है, कोर है, ठीक है। इसके बाद जो बाहर वाला है, सेकेंड वाला है, ठीक, ये जो सेकेंड वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल, एम ए एन टी एल ई, एम ए एन टी एल ई मेंटल है, एम ई एन टी एल ई नहीं है मेंटल, मैंने पागल हो जाता है, ये वाला मेंटल अलग है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो सबसे बाहर वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इसको कभी कभी हम अर्थ क्रस्ट भी बोलते हैं या फिर हम क्रस्ट भी बोलते हैं। तो भैया क्रस्ट बोलो अर्थ क्रस्ट बोलो एक के बात है, क्या है, एक ये बात है, क्रस्ट या अर्थ क्रस्ट, ठीक है। चलिए ये जो क्रस्ट होता है ना, ये जो क्रस्ट होता है इस क्रस्ट को कभी कभी एक ठो और नाम से जानते हैं, ठीक है, कभी कभी एक ठो और नाम से जानते हैं, है ना, ये जो क्रस्ट है, छोड़ो स्थेनोस्फेयर पे अभी नहीं जाएंगे, अपर मेंटल जोड़ के गड़बड़ा जाओगे आप, इसको थोड़ा बाद में कराते हैं, पहले ही सब बेसिक चीज़ आपका क्लियर कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए अर्थ का रेडियस कितना किलोमीटर है, अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए अर्थ का रेडियस कितना किलोमीटर है, तो आपका दिमाग से क्या निकलना चाहिए, आपका जुबान से जो शब्द निकले वो निकलेगा 6371, क्या निकलेगा, 6371, ठीक है, 6371, 6371, 6371, 6371। और ये किस में है, ये किलोमीटर में है, ये किस में है, किलोमीटर में। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए अर्थ का रेडियस क्या होगा, तो आप लिखेंगे अर्थ का जो रेडियस होगा, रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 6371, 6371 किलोमीटर हो जाएगा आपका अर्थ का रेडियस, ठीक है। चल अगर अभी हम आपसे पूछें कि बताइए अर्थ का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, तो आप कमेंट करके बताइए, पहले कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी सी बात है ना, 6371 को अगर आप 2 से इंटू कर देंगे, यानी कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ अर्थ का डायामीटर कितना होगा, डायामीटर कितना होगा, तो अर्थ का डायमीटर कितना होगा भाई साहब, 12,700
42 किलोमीटर, बस इसको इंटू टू कर देना है, क्योंकि रेडियस इंटू टू आपको पता ही, इतना कॉन्सेप्चुअल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बातें आगे। तो भैया अर्थ में अभी थोड़ा फ़ोटो वोटो मिल जाए तो मज़ा आ जाए, देखते हैं फ़ोटो होगा तो, फोटो मिलता है ना तो मज़ा आता है। रुको, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलो ठीक है, यहाँ पे समझो, बहुत अच्छा फ़ोटो है ये, इससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ज़्यादा लंबा ना करना है, बस इसका हमको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये बेसिकली है ना, ये आपका अर्थ का रेडियस बता रहा है। आप इसको गौर से देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पे जो पोर्शन है ये आपको क्या दिखा रहा है, ये ओशियन दिखा रहा है। ओशियन का मतलब क्या होता है, महासागर समुद्री क्षेत्र, ओशियन, ओशियन का बेल्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है पहाड़ी इलाका, क्या दिख रहा है, पहाड़ी इलाका दिख रहा है। ठीक है, पहाड़ी इलाका दिख रहा है। इसके बाद कहीं कहीं पे आपको प्लेन भी दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको प्लेन भी दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ अर्थ सरफेस का रेडियस क्या होगा, अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ अर्थ सरफेस का रेडियस क्या होगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अर्थ, जो अर्थ सरफेस का रेडियस है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। क्यों भाई, अगर हम पूछेंगे हिमालय के पास कितना होगा, तो हिमालय के पास ऑब्वियस ही बात है पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो हमको एकदम चोटी से नापना पड़ेगा। अर्थ सरफेस का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है उसका अगर मोटाई नापेंगे तो वहाँ लगभग 40 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई थोड़ा सा उससे नीचे जगह में नापेंगे तो 35 किलोमीटर हो जाएगा, अगर हम पठार वाला क्षेत्र में नापेंगे तो 30 किलोमीटर हो जाएगा, अगर हम समुद्र में चले जाएंगे और समुद्र में जो बेसिन है बेसिन से अर्थ क्रस्ट का मोटाई नापेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। यानी कि हर जगह अलग अलग हो सकता है, जो बिल्कुल हो सकता है। अगर आप ओरिजेनिक बेल्ट की बात करते हैं, ओशियनिक बेल्ट की बात करते हैं और लैंड फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, भूल चूक माफ, जस्ट अ सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान के चलिए, ड्राइंग मेरा बहुत ख़राब है लेकिन मान के चलिए, ठीक है, अगर हम बात करेंगे ना कि ओशियनिक बेल्ट, ओशियनिक बेल्ट, ओशियनिक बेल्ट का मतलब होता है जो ओशियन है ना, ओशियन का फ्लोर से अगर हम बोलेंगे क्रस्ट का मोटाई, क्या बोलेंगे, क्रस्ट का थिकनेस, क्रस्ट का थिकनेस अगर हम बोलेंगे तो ओशियन बेल्ट के पास है 10 किलोमीटर के पास पास। ठीक है, अगर हम पठारी क्षेत्र की बात करेंगे, पठारी क्षेत्र की बात करेंगे, फील्ड की बात करेंगे, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, वहाँ पे आपका लगभग 30 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे पहाड़ी क्षेत्र का, अगर हम बात करेंगे पहाड़ी क्षेत्र का, तो वहाँ पे थिकनेस कितना हो जाएगा, 35 से 40 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। जो अर्थ क्रस्ट है उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग थिकनेस हो सकता है, अलग अलग मोटाई हो सकता है, और किताब में भी वैरी किया है बहुत सारा। ठीक है, ये हम के एम बांगड़ और जी वी महापात्रा दोनों को मर्ज करके लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अभी आते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रस्ट है। क्रस्ट का मोटाई हम आपको बता चुके हैं, ठीक, क्रस्ट का मोटाई हम आपको बता चुके हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। इसके बाद आता है आपका मेंटल, मेंटल में हम इसको दो लेयर में डिवाइड करते हैं, मेंटल में इसको हम दो लेयर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा आपका अपर मेंटल और एक हो जाएगा आपका लोअर मेंटल। यानी मेंटल का अगर हम पूरा पूरी बात करेंगे तो मेंटल में कितना मोटाई हो जाएगा, मेंटल में आपका जो मोटाई हो जाएगा वो 2900 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2900 किलोमीटर आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर आप वो, अगर मेंटल के बाद अगर आप कोर की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप कोर की बात करते हैं तो कोर का मोटाई कितना हो जाएगा, कोर का मोटाई लगभग आपका इनर कोर आउटर कोर सब मिला के 6371 तक जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हम बोल लिख देते हैं, यहाँ पे हम मोटा मोटे लिख देते हैं, थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ क्रस्ट, तो थिकनेस ऑफ क्रस्ट जो होता है वो 10 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, बट कुछ किताब में क्या दिया है, बट कुछ किताब में क्या दिया है, कुछ किताब में कहना है कि 10 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक थिकनेस हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ किताब में लिखा हुआ है।
इसके बाद अगर हम मेंटल की बात करें, ठीक है, तो मेंटल में क्या कहा गया है, मेंटल में कहा गया है कि जो मेंटल है वो लगभग 2900 किलोमीटर गहरा है, यानी 2900 KM तक गहरा है, ठीक है। तो इसमें अगर माइनस कर देंगे 100 तो ये हो जाएगा 2800 किलोमीटर, यानी मेंटल का थिकनेस की बात करें तो 2800 किलोमीटर हो जाएगा आपका मेंटल का थिकनेस, ठीक है। और उसके बाद 6371 में अगर आप 2900 जोड़ के माइनस करते हैं तो 3000, यानी अगर कोर का थिकनेस की बात करें, ठीक है, तो कोर थिकनेस क्या हो जाएगा, तो जो सबसे डेप्थ है यानी कि अगर रेडियस में हम ऊपर वाला पूरा घटा देंगे यानी 2900 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3471 किलोमीटर। तो एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, आपको समझाना चाह रहे थे इसीलिए हम आपको थोड़ा दिखा रहे थे। अगर आपको बोलेगा थिकनेस ऑफ क्रस्ट कितना है, तो थिकनेस ऑफ जो क्रस्ट है वो 10 से 100 किलोमीटर कुछ किताब में है, 10 से 40 किलोमीटर कुछ किताब में, जो आपको मिल जाएगा वो आपको टिक मार देना है, ठीक है। मेंटल का अगर आप पूछेगा बताओ भाई साहब मेंटल का थिकनेस क्या है, तो मेंटल का थिकनेस है 2800 किलोमीटर। अगर बोलेगा कोर का थिकनेस क्या है, तो कोर का थिकनेस है 3471 किलोमीटर। अगर रेडियस पूछेगा अर्थ का, तो अर्थ का जो रेडियस है ना वो आपका कितना है, वो आपका 6371 है अर्थ का रेडियस। आप माइनस करते जाएंगे तो सबका थिकनेस निकलते जाएगा, तो वो हम आपको एक बार में निकाल के बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए अब आते हैं आगे, ठीक है। अभी आपसे कुछ पूछ सकता है, स्टेट ऑफ डिफरेंट पार्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ डिफरेंट पार्ट। जैसे अगर आपको बोलेगा कि बताओ भैया क्रस्ट का जो फॉर्म है, स्टेट है, वो कौन सा है, तो क्रस्ट जो है वो पूरी तरह से रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है हार्ड है, एकदम सॉलिड है, बोले तो बहुत हार्ड, ठीक है, क्रस्ट जो है वो बहुत हार्ड है। इसके बाद अगर बात करेंगे मेंटल का, तो मेंटल भी जो है वो सॉलिड में है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कोर का, तो कोर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा आउटर कोर, किस में है, सब नोट करते जाना भाई साहब, हम जो लिखवा रहे हैं नोट करते जाना। आउटर कोर आपका लिक्विड फॉर्म में है पूरी तरह से, और अगर हम बात करेंगे इनर कोर का, तो इनर कोर हमारा सॉलिड फॉर्म में है। इंटरेस्टिंग बट फैक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कोर कौन सा फॉर्म में है, इनर कोर, आउटर कोर, तो आपको फटाक से टिक मारना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, डिटेल में समझिएगा तो आपको मस्त मजा ही मजा आएगा, ठीक है। चल ओके यहां तक क्लियर हो गया। अब एक और चीज आपको समझना होगा, बारी बारी हम एक एक पॉइंट पे जा रहे हैं, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको समझने में आसानी होगा सर, आपके लिए जा रहे हैं। अगर मान के चलिए ये क्रस्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा क्रस्ट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मेंटल है, ठीक है। तो जो मेंटल होता है उसको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जो मेंटल होता है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाला को बोलते हैं अपर मेंटल, और नीचे वाला को बोलते हैं लोअर मेंटल, ठीक है, लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल और क्रस्ट है, ये दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं अपर मेंटल से क्रस्ट को लेके। ये क्या है सर, ये किसका फॉर्म क्या है, ये है पार्शियली, मेल्टेड है, क्या है, पार्शियली मोल्टेन है, ये पार्शियली मोल्टेन इसका स्टेट है, क्या है इसका स्टेट है, तो ये भी याद रखेंगे सर। इसीलिए एस्थेनोस्फेयर, किसको बोलते हैं, तो एस्थेनोस्फेयर बराबर हो जाएगा, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, तो ये क्वेश्चन भी देगा तो फटाक से टिक मारेंगे, क्रस्ट पर प्लस अपर मेंटल, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप, ठीक है, चलो ओके ठीक है। चलो और हमें, मुझे एक बार देख लेना तो कुछ पॉइंट ना मिस हो जाए, मेरा दिमाग में ही रहता है भाई साहब कि कोई पॉइंट गलती से मिस ना हो जाए, ठीक है। चलिए हमको लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ है। अब हम जो लिखते हैं उसको एकदम छाप लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है सर। देखिए एक है कोनार्ड, ठीक है, एक है मोरविलिक, या मोरविलिक बोलते हैं, मोरविसिक बोलते हैं इसको, ठीक है। एक है आपका रेपेटी, ठीक है, एक है आपका
गटनबर्ग, गटन BERG गटनबर्ग, वैचार्ट, ठीक है ना। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। चलो अभी सबके आगे आपको क्या लगा देना है, डिसकंटिन्यूटी है ना। सबके आगे आपको क्या लगा देना है, सबके आपके आगे आपको लगा देना है डिसकंटिन्यूटी। मैं बताता हूँ आपको, बस नोट करते जाइए ना, आपको समझा देते हैं, टेंशन नहीं आइएगा, नहीं एकदम समझा देते हैं। कोनार्ड क्या है सर? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है। कोनार्ड क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। मोहविलिक क्या है? ये भी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है। रैपिटी क्या है? रैपिटी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। इसके बाद गटरबर्ग विचार्ड जो है, गटरबर्ग विचार्ड क्या है, ये भी आपका डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि बताओ जो अर्थ का आप रेडियस तक पहुंच रहे हैं, कोर तक पहुंच रहे हैं, तो आपको टोटल कितना डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है, तो जो चार मेजर डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है, जिसमें एक को बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, दूसरा को बोलते हैं मोरविलिक डिसकंटिन्यूटी, तीसरा को बोलते हैं रैप्टी डिसकंटिन्यूटी, और चौथा को बोलते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अभी देखो एक बेतुका सा लॉजिक है, चूंकि आप झारखंड से हो, तो अगर हम आपको बोलेंगे CM रघुवर दास, देखो हमको कोई भी नेता बढ़िया नहीं लगता भाई, चाहे कोई भी पार्टी का हो, ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, बस हमको थोड़ा सा नेता लोग से नफरत है। कोई भी हो, कोई भी हो, हम भेदभाव नहीं करते, हम बराबर सबको नफरत करते हैं। देखो CM रघुवर दास, तो CM रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास, तो आपको दास लिखने का जरूरत नहीं, आप ऐसे लिखेंगे CM रघुवर, रघुवर, रघुवर दास, ठीक है। अभी रघुवर दास नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। चलो अब हम क्या बताना चाहते हैं, हम एक बार आपको दिखाते हैं, ये ट्रिक हुआ याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक ना। जस्ट अ सेकेंड। C4 कोनार डिसकंटिन्यूटी, M4 मोविलिक डिसकंटिन्यूटी, R मतलब रघुवर जो बोले तो रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, और G4, जी आपको हमने कहा था कैपिटल लिखिएगा, आप जब भी लिखिएगा C.M रघुवर लिखना है, तो RAG बड़ा रघुवर, अदास लिखेंगे तो लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, तो CM रघुवर दास। C4 कोनार डिसकंटिन्यूटी, M4 मोविलिक डिसकंटिन्यूटी, R4 रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, और G4 गुटरबर्ग वेचार्ड डिसकंटिन्यूटी, CM रघुवर दास, CM रघुवर दास। ये लाइन अगर आपको याद रहेगा तो आपको सीक्वेंस भी याद रहेगा, नाम भी याद रहेगा, और डाटा भी याद रहेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। बस आपको एक बार दो बार प्रैक्टिस करना है और मेरे साथ कहिएगा CM रघुवर दास, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, तो भैया अब आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा, अगर सीक्वेंस भूल भी गए तो आपको इतना पता रहेगा, जो सी वाला है वो पहले होगा, एम वाला जो है CM बाद वाला होगा, ठीक है, CM के बाद फिर रघुवर है तो माने आर जो है बाद में होगा, ठीक है, और जी जो है वो सबसे लास्ट में होगा, र जी यहाँ से लिखेंगे रघुवर, ठीक है, CM रघुवर दास। सी बोले तो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, एम बोले तो मोरविलिक डिसकंटिन्यूटी, आर बोले तो रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, और जी बोले तो गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब मैं एक बार फोटो बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरा ड्राइंग खराब है तो हंसना नहीं है, ठीक है, बस समझिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको रटवा दें यहीं पे, यहीं है ना। जूलॉजी ऐसा चीज़ है ना बाबू कि बहुत रटना पड़ता है, जब तक आप ट्रिक नहीं लगाइएगा ना तब तक रटना पड़ता है, तो जैसा भी हो जो भी हो आप रटिए इसको। चलिए सबसे पहले आएगा भाई साहब, क्या आएगा सबसे पहले, सबसे पहले जो आपका क्रस्ट है, ठीक है, सबसे पहले जो आपका क्रस्ट है ये आएगा क्रस्ट, इसको हम बोलेंगे CRUST क्रस्ट। इसके बाद आएगा मेंटल, यहाँ लिखेंगे MANTLE मेंटल, ठीक है, और लास्ट में आएगा कोर। तो ये तो आप लिख दिए, ठीक, चलिए लिख दिए, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लिख दिए, तो आते हैं आगे। अभी जो क्रस्ट है ना सर, क्रस्ट को हम दो भाग में बांटते हैं, क्रस्ट को हम क्या करते हैं, क्रस्ट को भी हम दो भाग में बांटते हैं, ठीक है, ये बांट दिए, चलो ऊपर वाले को बोलेंगे अपर क्रस्ट, नीचे वाले को बोल देंगे नीचे लोअर क्रस्ट, और इसको दो भाग में जो बांटते हैं, इसमें ऊपर वाला का नाम है सेल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाला सेल, और नीचे वाले को बोलेंगे साइमा,
साइमा, सेल साइमा, सेल साइमा, याद कैसे रहेगा? देखिए याद कैसे रहेगा, हम ट्रिक बताते हैं। एस आई ए एल है सेल, एस आई एम ए है साइमा, ठीक है। तो ए एस आई तो कॉमन हो गया, अभी ए पहले आता है कि एम पहले आता है, तो ए पहले आता है, तो ए वाला पहले आएगा, ए वाला पहले आएगा, ए वाला पहले आएगा, ठीक है। एम वाला बाद में आएगा, एम वाला बाद में आएगा, एम वाला बाद में आएगा, ऐसे बोलेंगे रटेंगे तो याद हो जाएगा। तो सेल साइमा, सेल साइमा, एस आई तो कैंसिल हो गया, ए वाला पहले आएगा, तो सेल आएगा पहले, साइमा आएगा बाद में, सेल आएगा पहले, साइमा आएगा बाद में, ठीक। यहाँ तक बूझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा कलर दूसरा लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है इसको लेके, देखते हैं चलेगा। हाँ चल रहा है, ठीक है। अभी देखो सेल और साइमा के बीच में एक तो हम बताएं लेयर है, लेयर लेयर है साहब, एक तो लेयर है साहब, है ना। ये जो लेयर है जो बांट रहा है सेल और साइमा को, यही लेयरवा का नाम है सीएम रघुवर दास में, सी वाला पहला आएगा, यानी कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। क्या आएगा? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा सबसे पहले। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहाँ होता है? तो जो क्रस्ट है आपका, जो क्रस्ट है, क्रस्ट को दो भाग में बांटा जाता है, सेल और साइमा। तो जो सबसे ऊपर वाला है और नीचे वाला, सेल और साइमा यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, को कौन अलग करता है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अगर घुमा फिरा के दे, बोलेगा बताओ जो क्रस्ट है उसको दो भागों में बांटता है, इनमें से कौन सा डिसकंटिन्यूटी है जो दो भागों में बांटता है? तो कोनार्ड को टिक मारेंगे आप, सीक्वेंस याद रहेगा तो फटाक से बता देंगे, ठीक। चलिए आते हैं आगे, अभी आते हैं थोड़ा सा और आगे। अरे यार छोटा काहे हो जाते हैं, बोला क्या करें बाबू, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में हाथ तंग है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक। चलो अभी देखो ऐसा है, हमने कहा कि क्रस्ट और मेंटल ये दोनों को बांटता है कोई ना कोई, तो जो बांटता है ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है, और इसका नाम क्या है? तो नाम भुला गए, नाम भुला गए, कोई बात नहीं, हमको इतना तो पता रहेगा सी के बाद एम यानी सीएम, तो एम वाला आएगा, तो एम वाला जो ऑप्शन में दिखेगा मार देंगे टिक। एम फॉर मोवेलिक, एम ओ एच ओ आर ओ, मोह वी आई सी आई सी, मोवेलिक, और डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटी न्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। मोवेलिक डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? जो क्रस्ट और मेंटल को बांटे वैसे डिसकंटिन्यूटी को मोवेलिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मोवेलिक डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? जो क्रस्ट और मेंटल को बांटे ऐसे को हम मोवेलिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्रस्ट और मेंटल को बांट रहा है उसको हम लोग मोवेलिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ओके ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर, ठीक। अभी भाई साहब जो मेंटल है ना, मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, मेंटल को भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल दो भागों में बांटा गया है। तो अपर और लोअर मेंटल को जो बांट रहा है, यानी अपर एंड लोअर को जो बांट रहा है, ऐसे डिसकंटिन्यूटी का क्या नाम है? तो सी वाला याद हो गया, सीएम रघुवर दास, सी मतलब कोनार्ड वाला हो गया, एम मतलब मोविलिक वाला हो गया, अब आएगा आर वाला, तो आर वाला जो ऑप्शन में दिखेगा उसको मार देंगे टिप। तो आर वाला कौन सा है? आर वाला है रेपेटी, मारेंगे रपट्टा, रपट्टा मारेंगे, एक रपट्टा देंगे ना तो ठीक हो जाएगा। तो रेपेटी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, एक रपट्टा देंगे तो माथे खराब हो जाएगा, मेंटली खराब हो जाएगा, मेंटली हो जाएगा एकदम। तो रेपेटी हो जाएगा आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल को बांटने वाला डिसकंटिन्यूटी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए आते हैं आगे। अभी देखो भाई साहब ये आ गया आपका कोर, ये क्या आ गया? आपका कोर आ गया। तो देखो यार कोर को भी तो कोई ना कोई बांट रहा है, मेंटल और कोर को कौन बांट रहा है? ठीक है, मेंटल और कोर को कौन बांट रहा है? तो मेंटल और कोर को जो बांट रहा है डिसकंटिन्यूटी, इसका क्या नाम होगा? तो लास्ट वाला जो बच जाएगा, सीएम रघुवर दास तो सी हो गया, कोनार्ड वाला एम हो गया, मोरवेलिक हो गया, रेपेटी आर वाला हो गया, तो दास का मतलब हो जाएगा डी वाला, है ना, सीएम रघुवर जी वाला, सॉरी जी वाला, तो गुटन बर्ग वे चार्ट, नाम याद नहीं होगा कोई बात नहीं, स्पेलिंग याद हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, गुटनबर्ग विचार डिसकंटिन्यूटी। ये क्या करता है? ये मेंटल और कोर को बांटता है। अब कौन किसको बांटता है याद हो गया? अब यही वाला फोटवा दिमाग में छप जाएगा, एक दो बार खाली लिख लेंगे आप, तो आप नहीं बना पाएंगे एग्जाम में। अगर घुमा के पूछेगा बताओ गुटनबर्ग विचार डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है, तो आधा लड़का नाम देख के डर जाएगा, अरे बाप रे क्या पूछ दिया अरे भाई। तो डरना नहीं है, मजा मजा में पढ़ना है, जूलॉजी मजा मारने की चीज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया आपका क्लियर, अब हम लिखेंगे डाटा, ठीक है।
अभी हम लिखेंगे डाटा। तो डाटा को आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहले बोलिएगा 11, उसके बाद बोलिएगा 33, उसके बाद बोलिएगा 95 0, इसके बाद बोलिएगा आप विच आर डिस्कन्टिन्यूटी जो है वो लगभग आपका 2900 किलोमीटर के बाद आता है, यानी कि बात करेंगे 2900, ठीक है। क्या बोले हम, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 11, 33, 950, 2900, ठीक है, 2900, ठीक है। चले तो भाई साहब, हमने क्या बताया, हमने क्या बताया, सिंपल सा बात। अभी हम क्या लिख रहे हैं आपको समझ में नहीं आया, तो जो कोनार डिसकंटिन्यूटी होता है उसका अगर डिस्टेंस पूछेगा ना, तो पहला वाला का होता है 11 किलोमीटर। क्या होता है, सरफेस से जो डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर है। मोवेलिक डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूँ ना, मोवेलिक डिसकंटिन्यूटी की, तो ये जो है ये अगर सरफेस से बात करें तो 33 किलोमीटर में होता है। कितना किलोमीटर होता है, 33 किलोमीटर में इसका होता है डिस्टेंस। इसके बाद अगर हम रैपिड डिसकंटिन्यूटी की बात करें, रैपिड डिसकंटिन्यूटी की, तो ये 950 किलोमीटर नीचे होता है, 950 किलोमीटर नीचे होता है। और अगर हम गटनबर्ग की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर नीचे होता है, 2900 किलोमीटर नीचे। तो वही हम बार बार आपको लिख रहे थे, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। 11, 33, 950, 2900, ठीक है। हमने क्या बताया, सी एम रघुवर, ठीक है। सी फोर कोनार्ड, एम फोर मोवेलिक, आर फोर रिचार्ड रैपिटी, सॉरी रैपिटी, और जी फोर गटनबर्ग वेचार्ड का डिसकंटिन्यूटी। तो इसको याद करेंगे दो तीन बार बोलेंगे, इसको लिखेंगे तो आपका याद हो जाएगा। आई होप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी हम फिर से आते हैं, बार बार हम एक ही चीज़ को समझा रहे हैं, आपको बोर लग रहा होगा, हमको पता है, लेकिन एक बार देख लोगे ना बाबू, तो कभी ज़िंदगी में इंटीरियर नहीं भूलोगे, तो रटते रटते माथा पटक लोगे, समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू था तो मास्टर भी कभी विद्यार्थी था, इसलिए हमको पता है, ठीक है। सेल क्या चीज़ है, तो सेल का मतलब है जो सबसे ऊपर हम बताएं कि जो अर्थ क्रस्ट है उसका दो लेयर था, इसमें सेल का मतलब होता है कि इसमें सिलिकन प्लस अल्मोनियम ये दोनों बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और साइमा का क्या मतलब है, साइमा, ठीक है, तो साइमा का मतलब ये हुआ कि साइमा जो है वो लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये इसमें बेसिकली जो सिलिका है, ठीक है, सिलिका है और मैग्नीज है, ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम है सेल और साइमा, ओके। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, बाकी डिस्टेंस वगैरह सब हो गया, रिचार्ज कंटिन्यूटी करा दिए हैं, है ना, बाकी और कुछ ऐसा दूरी नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ छूट नहीं रहा मुझे, एक बार देख लेने, तो भाई छूट जाएगा तो मुझे अफसोस होगा। छोटा सा टॉपिक था बस, हम चाहते थे कभी ज़िंदगी में ना भूलो, तो ऐसे पढ़ाएं, ठीक है। चलो, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ आपका पूरी तरह से समाप्त होता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ को हम कोशिश किए हैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का, और एक एक चीज़ रटवाने का, इससे ज़्यादा ना पूछा है, इससे ज़्यादा ना आपका किताब में दिया है, इससे ज़्यादा ना पूछेगा। तो इसको बार बार देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा अटपटा डाटा वाला सवाल है, इसको बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इसको सेव कर लीजिए वीडियो को, और बार बार देखते रहिएगा, मेरा ये सजेशन रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। और सुनो मेरे भाई, एक बार और रिक्वेस्ट है, देखो जूलॉजी का बहुत ही ख़राब रिस्पॉन्ड जा रहा है मेरे यूट्यूब चैनल में, बच्चे देख नहीं रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, जूलॉजी को पहले ही बोरिंग मान लिया हो, तुम देखो तो सही एक बार वीडियो पूरा, नहीं मज़ा आएगा तो मत देखना, तुम एक बार देखो तो सही। तो कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का, जो भी झारखंड माइंस इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जूलॉजी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ में जूलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो जो टॉपिक है वो मैं डालता जा रहा हूँ, आपका टॉपिक अगर काम का है तो ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।